Welcome back to my channel. My name is Shubha. In today's video, I am going to review for a product which is from the brand Mama Earth. And yes, if you are new to my channel, watching my video first time.

इसकी आउटर पैकिंग आप लोग को ऐसे कार्डबोर्ड जैसे बॉक्स में रिसीव होगी एंड ये जो एक्नी फेस क्रीम है ये पेराबिन एंड सिल्कन फ्री है डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है क्रूरिटी फ्री है एंड ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस जो है वो थ्री नाइनटी नाइन है सेल्फ लाइफ इसकी थ्री ईयर की दी गई है एंड इसकी जो क्वांटिटी है थर्टी ग्राम है तो क्वाइट अकॉर्डिंग टू द प्राइस ठीक ठाक है क्वांटिटी भी इनर प्रोडक्ट देख सकते हो आप लोग ये मीन्स काफी अच्छी सी सिलेंड्रिकल जो बॉटल है उसमें आई है एंड विथ पंप ये आप लोग को रिसीव होगी तो मैं आप लोग को इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी शो करती हूँ देख सकते हो आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है बहुत थिन भी नहीं है बहुत थिक भी नहीं है एंड इसकी कलर जो है वो वाइट है एंड बहुत ही अच्छा है बहुत इजिल स्प्रेड भी हो जा रहा है एंड एब्जॉर्ब भी हो जाएगा आपके फेस पे एंड देख सकते हो बहुत मैं क्लोज करके आप लोग को शो कर रही उसकी कंसिस्टेंसी वगैरह ठीक ठाक है तो ये जो फेस क्रीम है ये उनके लिए बहुत सुटेबल है जिनकी भी स्किन पे एक्नी वगैरह की प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे दाने हो जाते हैं मैं ये नहीं बोलूंगी कि जिनकी ऑयली स्किन है सिर्फ उनको ही दाने की प्रॉब्लम होती है जैसे कि मेरी स्किन पे भी सम टाइम हो जाता है अभी आप लोग को मैं जब इसको अप्लाई करूंगी ना एट दैट टाइम मैं सो करूंगी कि मेरे फेस पे भी छोटे छोटे बम्प्स हो गए थे तो ये हो जाता है नेचुरली तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा वाला है ये वाला मीन्स क्रीम है वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड साथ साथ में ये जो है लाइट वेटेड है बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है साथ साथ में ये लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है जैसा कि प्रोडक्ट क्लेम करता है तो मैं इस प्रोडक्ट को वन वीक से अप्लाई कर रही हूँ एंड मुझे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिला तो मेरे फेस पे छोटे छोटे दाने हो गए थे ना मैंने उसको जब अप्लाई किया तो मैंने ये नोटिस किया कि धीरे धीरे करके क्या वो दाने छोटे होने लगे बैठने लग गए तो ये बहुत अच्छा लगा बिकॉज इसमें जो नीम वगैरह एड किया गया ना वो आपके स्किन पे आपके पिम्पल्स पे जाके अच्छे से वर्क करेगा साथ साथ में जो आपकी एक्सेस सीबम प्रोडक्शन होगा उसको भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल होगा एंड आपके स्किन पे जो भी अगर पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं उसके कारण जो इन्फ्लोमेशन वगैरह होती है बहुत प्रॉब्लम होती है मीन्स मेरे को एक हुई थी एंड मैं वो फील कर सकती हूँ पेन को कि जब वो होता है तो पूरा एरिया मीन्स बहुत अजीब सा हो जाता है तो मैं तो बोलूंगी अगर आप लोग को ऐसा हो रहा हो या आपकी स्किन पे ऐसा प्रॉब्लम होता हो तो आप लोग ये वाला क्रीम यूज कर सकते हैं सो दैट की क्या हो वो जो पिम्पल्स वगैरह एक्नी वगैरह बड़ा ना हो जाए सो so दैट आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपको पेन ना फील करना पड़े उसके कारण तो ये जो फेस क्रीम आपके स्किन पे जो भी अगर डेड लेयर होंगे स्किन के या डेड सेल्स होंगे उसको भी रिमूव करने में हेल्पफुल होंगे साथ साथ में चलिए अब ये बात करते हैं कि ये जो फेस क्रीम इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या इंक्लूड किए हुए हैं इसमें फोर मेन इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया गया है जो कि है विलो बाक सैलिसलिक एसिड नीम एंड सोयाबीन एंड विलो बाग जो है उसमें एंटी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है जो कि आपके स्किन पे जो इन्फ्लोमेशन हो जाती है एक्नी या पिंपल होने के कारण तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल सैलिसलिक एसिड जो है वो जिनकी भी एक्नी प्रोन स्किन होती है ना उस उसपे बहुत ही अच्छे से वर्क करती है एंड धीरे धीरे करके क्या होता है कि उनकी जो ये प्रॉब्लम होती है ना एक्नी वगैरह की उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है बिकॉज क्या होता है वो बिल्कुल जेंटली आपके पोर्स में जाके वर्क करता है सो so दैट क्या होता है वो क्लीन करता है आपके पोर्स पे जाके एंड जो भी आपके स्किन पे डेड सेल्स होगी डेड स्किन वगैरह होंगे उसको रिमूव करता है एंड साथ साथ में ये आपकी ऑयल प्रोडक्शन जो है उसको भी कम करने में कारगर होता है एंड नीम नीम तो आप लोग जानते हो कि कितना ज्यादा हर्बल बोल सकते हो जिनकी भी एक्नी या दाने वगैरह होती है स्किन पे उनके लिए एंड साथ साथ में स्किन पे अगर आपको इचिनेस फील होती है या फील होती है तो वहां भी ये वर्क करता है एंड साथ साथ में आपकी स्किन को जो यूवी रे से डैमेज हो गई है आपकी स्किन उससे भी ये बचाता है एंड सोयाबीन सोयाबीन आप लोग सोचोगे हम तो खाने में यूज करते हैं यहाँ फेस पे लगाने में क्या यूज करना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज सोयाबीन जो है वो आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को प्रमोट करता है साथ साथ में आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको भी बरकरार रखने में हेल्पफुल होता है तो ये सारे इन्ग्रीडियंट्स को इंक्लूड करके ये वाला जो एक्नी क्रीम है इसको प्रिपेयर किया गया है। तो मेरे को अगर मेरा पूछोगे तो मैं इस क्रीम को जब अप्लाई की थी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था बिकॉज मेरी ऐसी एक्नी प्रोन स्किन नहीं है बट फिर भी मैंने इसको परचेज किया था बिकॉज मेरे को कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे यहाँ पे बम्स हो जाते हैं आई डोंट नो क्यों ये भी हो सकता है कि मीन्स पॉल्यूशन वगैरह के कारण या बोलते है ना समाइम की मेकअप अगर अच्छे से क्लीन नहीं होता तो उसके कारण भी हो सकता है मैं प्रॉपर नहीं रीजन बता सकती कि क्यों हो जाता तो मैंने क्या करा इसको अप्लाई किया मीन्स अभी दस दिन से मैं इसको अप्लाई तो वो धीरे धीरे करके मैं देखी कि बिल्कुल से दब गया आप देख रहे हो बहुत छोटी 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 अभी भी है बट वो थोड़े से बैठ चुके हैं उतने नहीं पता चल रहे जब मैं क्रीम को अप्लाई करूंगी ना एट दैट टाइम आप लोग देखिएगा कि वो थोड़ा थोड़ा दिखेगा उस टाइम पे तो चलिए अब मैं इसको आप लोग को अपने फेस पे भी अप्लाई करके शो करती हूँ अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करना है देख सकते हो मैंने फेस को क्लीन कर लिया एंड उसके पहले मैंने टोनर एंड सीरम अप्लाई कर लिया उसके बाद जो ये क्रीम का थर्ड स्टेप आता है मैं फिर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ आप लोग ऐसे पंप के थ्रू लेना है जितनी आपको ज़रूरत हो आप उस अकॉर्डिंग टू लीजिएगा बहुत ज्यादा भी मत ले लीजिएगा एंड उसके बाद आप अपने फेस एंड नेक पे इसको अच्छे से अप्लाई करके विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप मसाज करें जब तक कि ये जो क्रीम है अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए आपके फेस पे एंड ये बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है साथ साथ में काफी ज्यादा लाइट वेटेड लग रहा है मैं जब इसको अप्लाई कर रही हूं एंड इसमें कोई ऐसा, ऐसा ऐसा फ्रेगनेंस नहीं है फ्रेग्रेंस मेरे को तो कुछ फील नहीं हो रही कोई फ्रेग्रेंस इसमें कैसी आ रही है बस ठीक है मेरे को अच्छी लग रही है इसको अप्लाई करने के बाद कोई ग्रीसनेस नहीं लग रही है चिपचिपाहट नहीं लग रही है मुझे जब मैंने इसको अप्लाई किया ना बहुत ही अच्छा मेरे को रिजल्ट भी मेरे फेस पे देखने को मिला है एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे फेस पे छोटे छोटे आप लोग को बम्स दिख रहे होंगे ना ये काफी मीन थोड़े बड़े हो गए थे बट मैं इसको थोड़े टाइम से अप्लाई की तो ये बैठ गए हैं देख सकते हो आप लोग ऐसे तो अगर आपकी प्रोन स्किन नहीं हो आप लोग को ऐसी प्रॉब्लम हो फिर भी आप लोग यूज कर सकते हो बट ये जो फेस क्रीम है ये सुटेबल फॉर जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है उसके लिए ही है एंड बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हो गया कोई ग्रीसनेस चिपचिपाहट नहीं लग रही है मेरे को फेस पे आप लोग को भी एक्नी या पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो तो ये वाला फेस क्रीम जो है इसको जरूर ट्राई कर सकते हो आप लोग एंड आप लोग इसको अंडर मेकअप भी अप्लाई कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला बिकॉज मैं भी अंडर मेकअप इसको अप्लाई की हूँ एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज ये बहुत लाइट वेटेड है तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आपने अंडर मेकअप कोई अगर आपकी क्रीम की लेयर थोड़ी हैवी होती ना तो आपको थोड़ा हैवीनेस फील होता है बट बहुत लाइट वेटेड है सो दैट्स वाई ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं होता एंड समर के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट क्रीम है तो आप लोग इसको समर में भी यूज कर सकते हो अगर आपके फेस पे एक्नी वगैरह हो रही हो एंड इसका और भी अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप लोग इसको दिन में दो से तीन बार जरूर यूज करें सो so दैट आपको इसका और भी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा तो अगर आप लोग पर्सनली मेरा रिव्यू पूछोगे कि मुझे ये कैसा लगा है तो मुझे ये जो फेस क्रीम है पसंद आया है इसका इफेक्ट भी मेरे स्किन पे मेरे को देखने को मिला है तो मैं आप लोग को डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी अगर आप लोग ये मामा अर्थ का बाय बाय एक्नी क्रीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो अच्छा क्रीम है जिन लोगों को भी एक्नी वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनके स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी काफी अच्छा बिकॉज उनकी स्किन पे भी ये प्रॉब्लम होते ही रहती है एंड आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइज जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा सो दैट आप लोग से मेरे कोई भी वीडियो मिस ना हो थ्रू नोटिफिकेशन आप लोग को मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स